गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में हम चैप्टर फोर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, द वॉयेज ऑफ सिंधबाद द सेलर, सिंधबाद की समुद्री यात्रा, ये हम पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम सिंधबाद की पहली यात्रा पढ़ रहे हैं। और हमने ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड, इसे पढ़ा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से द मैन। तो चलिए पढ़ते हैं। द मैन वर शॉक्ड टू रियलाइज दैट दे वर नॉट ऑन लैंड एट ऑल। द मैन वर शॉक्ड टू रियलाइज दैट दे वर नॉट ऑन लैंड एट ऑल। आदमी यह जानकर चौंक गए कि वे ज़मीन पर नहीं थे। पहले तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था वो आइलैंड, जब वो वहाँ पर उतरे थे, और जब वो अचानक से हिलने लगा, मैंने कल पढ़ाया था, तो उन्होंने फिर आगे हम आज पढ़ रहे हैं, तो लिखा है कि वो ये जानकर चौंक गए कि जहाँ पर वो उतरे थे वो तो एक्चुअल में लैंड था ही नहीं। आगे क्या है देखते हैं। वाट दे हैड थॉट टू बी एन आईलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। वाट दे हैड थॉट टू बी एन आईलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। उन्होंने एक द्वीप होने के लिए जो सोचा था वह वास्तव में एक विशाल व्हेल की पीठ थी। ये कौन का, ये जो है, जो आदमी लोग वहाँ पर उतरे थे उन्होंने सोचा था कि ये एक आइलैंड है, वहाँ पर ये सोच कर उतरे थे, वो वास्तव में क्या था, एक विशाल व्हेल की पीठ थी। तो ये जो है आपका, हम यहाँ तक कल पढ़े थे, आज यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपका, हम यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए आप भी अपना, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और पेज टर्न करिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल द मैन वर फ्लॉन्ग ऑफ इन टू द डीप सी। सभी आदमी, या फिर कह सकते हैं सभी लोग, गहरे समुद्र में बह गए। आगे लकली सिंधबाद फाउंड अ प्लैंक ऑफ वुड दैट वॉज फ्लोटिंग बाई एंड ही क्विकली क्लॉन्ग ऑन टू इट। लकली मीन्स सौभाग्य से सिंधबाद को लकड़ी का एक तख्ता मिला जो तैर रहा था, और वह क्या किया, वह जल्दी से उस पर चढ़ गया। फिर से पढ़ेंगे। सिंधबाद फाउंड अ प्लैंक ऑफ वुड दैट वॉज फ्लोटिंग बाई एंड ही क्विकली क्लॉन्ग ऑन टू इट। सौभाग्य से सिंधबाद को एक लकड़ी का तख्ता मिला और वो उस पर जल्दी से चढ़ गया, जो पानी में तैर रहा था जल्दी से उस पर चढ़ गया। आगे ही रीच्ड अ रिमोट आइलैंड। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सेंटेंस, ये वाक्य आगे का छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं, भूल गई। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आफ्टर मैनी आवर्स एट सी ही रीच्ड अ रिमोट आइलैंड। आफ्टर मैनी आवर्स, कई घंटों के बाद वह एक दूर द्वीप पर पहुंच गया, या फिर कह सकते हैं किसी दूर जगह पर वो पहुंच गया। कहाँ से, जब वो समुद्र से तैर रहा था तो उसके बाद वो तैरते तैरते दूर किसी दूसरी जगह पर वो पहुंच गया। कौन पहुंच गया, सिंधबाद। वो पानी, वो समुद्र से तैर रहा था, इसके बाद उसको तख्त मिला, फिर वो उस पर से होते हुए काफ़ी घंटों के बाद वो दूर किसी दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके नीचे हम आपको कल पढ़ाएंगे नीचे का पैराग्राफ। अब देख लेते हैं क्लास वर्क। कमिंग टू द क्लास वर्क। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास वर्क। सबसे पहले आप चैप्टर फोर और ये चैप्टर का नाम डालेंगे, और इसके बाद इंग्लिश की क्लास वर्क की कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्रिएटर डिड सिंधबाद कम अक्रॉस ऑन हिज फर्स्ट वॉयेज। सिंधबाद अपनी पहली यात्रा के दौरान किस जंतु पर आया था, या फिर कह सकते हैं अपनी पहली यात्रा पर वो किस जंतु पर आया था। तो अभी हम पढ़ रहे थे स्टोरी में कि वो जो है एक व्हेल की पीठ पर आया था। वो लोग उसको आइलैंड समझ रहे थे, बट वो आइलैंड नहीं था, वो क्या था, एक व्हेल की पीठ थी। तो क्वेश्चन है, व्हाट क्रिएचर डिड सिंधबाद कम अक्रॉस ऑन हिज फर्स्ट वॉयेज। आंसर क्या लिखेंगे, ऑन हिज फर्स्ट वॉयेज सिंधबाद केम अक्रॉस ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। फिर से पढ़ते हैं,
ऑन हिज फर्स्ट वॉयेज सिंदबाद केम अक्रॉस ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। ये आपका क्लास वर्क है और फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी रिच वंस मोर, हु सेड दीज वर्ड्स। ये किसने कहा था, ये शब्द किसने कहा था। स्टोरी में हमने बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको पता ही होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बी रिच वंस मोर, मैं एक बार फिर से धनी बनना चाहता हूँ। किसने कहा था, हु सेड दीज वर्ड्स, आगे पूछ रहा है किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये सिंदबाद ने कहा था। आंसर क्या लिखेंगे, सिंदबाद सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द सिंदबाद ने कहा था। आंसर सिंदबाद सेड दीज वर्ड्स। ये आपका बच्चों क्लास वर्क है और आप इसको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट करिएगा। और अभी देख लेते हैं होमवर्क। कमिंग टू द होमवर्क, नीचे आपको देखिए होमवर्क दिख रहा है और होमवर्क में भी मैंने आपको वन क्वेश्चन लिखवाया है, वन क्वेश्चन दिया लिखने के लिए और आपको इसको लिखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड द लैंड शेक सडनली, व्हाई डिड द लैंड शेक सडनली। लैंड मीन्स जमीन, अचानक हिलने क्यों लगा, फिर कह सकते हैं अचानक वो कंपन क्यों करने लगा। तो हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो है जब वो लोग आग जलाने लगे जो है गर्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो अचानक से हिलने लगा था। क्योंकि वो क्या था, क्योंकि वो एक व्हेल की पीठ थी, इसीलिए तो उनका वो हिल रहा था। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाई डिड द लैंड शेक सडनली। आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप द लैंड शेक सडनली बिकॉज एन आईलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। क्योंकि जो लैंड था वो एक्चुअली में वो वास्तव में एक विशाल व्हेल की पीठ थी, इसलिए वो हिलने लगा था। फिर से देख लेते हैं आंसर। द लैंड शेक सडनली बिकॉज एन आईलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। ये आपका आंसर है और आप इसको अपने होमवर्क कॉपी में नोट करेंगे और इसको भी लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।